चलिए इस वक्त की सबसे पहले जो खबर है वो आपको बता दें, वो ये है कि गेहूं आटा एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी गई है। कल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, गेहूं के बाद आटा मैदा सूजी एक्सपोर्ट पर भी ये बैन लगाया गया है और 12 जुलाई से बैन लगाने का ऐलान किया गया है। हालांकि डीजीएफटी ने के नोटिफिकेशन से ये बात साफ है कि जो 6 जुलाई से पहले जो हैंड ओवर हो चुके हैं स्टॉक, उन पर एक्सपोर्ट पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ गेहूं एक्सपोर्टर और ट्रेडर हैं अजय जैन साहब हैं। सर स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर क्या लग रहा है? नमस्कार सर, क्या गेहूं एक्सपोर्ट पर बैन लगाने के बाद क्या आटे के एक्सपोर्ट में इतनी तेजी आ गई थी जिस वजह से सरकार को फैसला लेना पड़ा? विश्वमोहन जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि सरकार ने आटे के एक्सपोर्ट बैन नहीं लगाया है, बल्कि ये सिर्फ एक चेक लगाया है ताकि सरकार ये नजर रख सके कि एक्सपोर्ट किस हद तक जा रहा है। सरकार सिर्फ उस पर नजर रखना चाहती है। सिर्फ एक्सपोर्ट पे आपको एक जो मिनिस्ट्रियल कमिटी बनी हुई है उनके परमिशन लेना है और ये एक्सपोर्ट चालू है। जी जी बिल्कुल जी। सही बात है सर, इंटरमिनिस्ट्रियल कमेटी की इजाजत के जरिए ही ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो क्या हाजिर में या जो रिटेल मार्केट में है दाम तेजी से बढ़ रहे थे क्या? पिछले एक महीने जब एक्सपोर्ट गेहूं का एक्सपोर्ट बैन हो गया तो उसके बाद से दाम लगातार ऊपर जा रहे थे आटे के? नहीं नहीं है, दामों को नियंत्रित रखने के लिए सबसे पहले तो गेहूं का एक्सपोर्ट बैन करने के बाद जो कीमतें नियंत्रित हुई है सरकार उसको अपने नियंत्रण में ही रखना चाहती है। किसी तरह से उपभोक्ताओं को ऊंची कीमत पर आटा या गेहूं ना खरीदना पड़े, सरकार सिर्फ उस पर नजर रखना चाहती है। सरकार की मंशा सिर्फ उस पर नजर रखने की है और इसीलिए इसको बैन नहीं किया गया है, बल्कि एक अंतर मंत्रालय की जो कमेटी बनी हुई है गेहूं एक्सपोर्ट पे उनकी परमिशन आवश्यक कर दी गई है। मॉनिटरिंग में उसको डाल दिया गया है सर, लेकिन जो जिस तरह के एक्सपोर्ट के नंबर आटे के आ रहे हैं या जो बाई प्रोडक्ट्स हैं आटे से रिलेटेड जो व्हीट के, वो नंबर सभी अप्रैल के बाद से लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। जितना पूरे साल में एक्सपोर्ट होता था आटे का वो सिर्फ अप्रैल और दो महीने में देखने को मिल रहा है। तो क्या वजह है, क्या एक्सपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं? देखिए विश्वमोहन जी, एक्सपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ रहा है ये बात सही है, लेकिन फिर भी वो उतना चिंताजनक नहीं है। बहुत ही कुल हमारे उत्पादन का वो बहुत ही नॉमिनल परसेंटेज है, 1% के अंदर अंदर प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट हम करते हैं गेहूं के, तो इसलिए वो बहुत उतनी चिंता की बात नहीं है कि उस पर बहुत ज्यादा बाजारों पर फर्क पड़ने वाला है या कीमतों पर फर्क पड़ने वाला है। सरकार सिर्फ इस पर अपना नियंत्रण चाहती है बाजार, ताकि लोगों को ऊंची कीमत पर आटा और गेहूं न खरीदना पड़े और अपना नियंत्रण सरकार रख सके एक्सपोर्ट पे। अब कीमतों की बात, आदेश लाया गया है। जी जी, अब कीमतों की अगर बात करें तो जिस तरह से लगातार एग्री कमोडिटी की कीमतें पिछले कुछ दिनों में कम हुए हैं, क्या हालांकि गेहूं पे भी इसका असर हुआ है, क्या आटा भी इस तरह से भाव इसके नीचे आए हैं या यहाँ पर गिरावट नहीं देखने को मिली है? जी जी, सभी की कीमतों में जो अंतर्राष्ट्रीय गिरावट सभी कमोडिटीज में आई है उसका इफेक्ट अंतर्राष्ट्रीय गेहूं पे तो अवश्य पड़ा है, पर भारत के गेहूं की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से काफी कम है, इसलिए भारत में उसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है। लेकिन फिर भी एक्सपोर्ट बैन के बाद गेहूं की कीमतें काफी नियंत्रित हुई है, आटे की कीमतें काफी कम हुई है, जिसका लाभ उपभोक्ताओं को मिल रहा है। ओके, शुक्रिया जैन साहब क्लैरिफिकेशन के लिए। और जो ये एक्सपोर्ट बैन है, पूरी तरह से ये बैन नहीं लगाया गया जबकि मॉनिटरिंग के लिए डाला गया है, जो इंटरमिनिस्ट्रियल कमेटी है सरकार की उनके परमिशन के बाद ही अब आटा एक्सपोर्ट किया जा सकता है। शुक्रिया सर एक बार फिर से आपका। चलिए दूसरी खबरों का रुख कर लेते हैं और वो खबर होगी नॉन एग्री मार्केट को लेकर और बेस मेटल्स की, क्योंकि बेस मेटल्स की कीमतों में MCX के साथ LME पर भी जबरदस्त रफ्तार दिख रही है। कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम, निकल सब में जबरदस्त 2-4% तक की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। रवि जी क्या लग रहा है, मेटल में ये तेजी खबर आ रही है कि चीन में स्टिमुलस पैकेज पर विचार किया जा रहा है $220 बिलियन के, क्या यही खबर है या कुछ और भी खबर है जो मेटल कीमतों को ड्राइव कर रहा है? नहीं जी, जरूर से यही खबर है। दूसरा एक खबर था जो डॉलर इंडेक्स के लिए थोड़ा बहुत नर्वसनेस वाला था, वो GBP का ऊपर जाना, क्योंकि वहां पे भी पॉलिटिकल चेंज हुआ, इस हिसाब से पाउंड में काफी शानदार रिकवरी लोअर लेवल से देखी गई, इससे थोड़ा बहुत प्रेशर डॉलर इंडेक्स में आया, तो वो
एक ही टाइम हुआ जब डॉलर इंडेक्स में नीचे गिरावट आई और तभी न्यूज आए कि चाइना ने 220 बिलियन डॉलर के एक स्टिमुलस पैकेज का अनाउंसमेंट किया। ये एडिशन है, 2 दिन पहले भी 70 बिलियन डॉलर का एक इंफ्रा पैकेज का अनाउंसमेंट था। तो अगर टोटल कंबाइन करें तो ये 3,20,000 करोड़ का टोटल मीन 3 लाख करोड़ के करीब का टोटल पैकेज होता है। तो मुझे लग रहा है कि काफी बड़ी न्यूज है और इस हिसाब से एक बड़ी रिकवरी मेटल्स में। हालांकि मुझे सस्टेनेबिलिटी पे थोड़ा क्वेश्चंस लग रहा है क्योंकि अगर चाइनीज मार्केट ओपन होते तो तब इसकी जो इंडाइसिस है वो रिएक्ट करते। लास्ट टाइम क्या हुआ कि 70 बिलियन डॉलर का इंफ्रा पैकेज आया तब चाइना में शंघाई इंडेक्स खुद 2% नीचे था और शंघाई मेटल्स में भी बड़ी गिरावट थी। तो इस हिसाब से कुछ रिएक्शन हमने मेटल में नहीं देखा, बट आज चाइना बंद होने के बाद ये न्यूज आए तो इस हिसाब से रिएक्शन लिया है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत आज इवनिंग सेशन में भी ये रिएक्शन और रह सकता है। ऑल ओवर में तेजी नहीं मान रहा, ये एक शॉर्ट कवरिंग का मूव है, बट अगर कोई एक ट्रेड ले बेस मेटल्स में तो मुझे लग रहा है कि जिंक में एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग का मोमेंटम ड्यू है। 276 के करीब प्राइसेस चल रहे हैं, आप इसको बाय कर सकते हैं 281 के टारगेट के लिए। डाउनसाइड 273 का स्टॉप लॉस लगाए तो सिर्फ शॉर्ट कवरिंग का प्ले लग रहा है, जिसमें मुझे लग रहा है कि जिंक वुड बी आउट परफॉर्मर। ओके, जो शॉर्ट कवरिंग है अगर इस यहाँ पर अगर कोई बेट आपको लगानी है तो जिंक इनकी प्रेफर्ड बेट है। इनको लग रहा है कि यहाँ पर तेजी दिख सकती है, शॉर्ट कवरिंग का यहाँ पर फायदा मिलेगा। अब बीरेन सर, आपका सेंस क्या कह रहा है, क्या ये मेटल की जो तेजी आई है चीन में राहत पैकेज की खबर से, क्या ये टिकाऊ लग रही है आपको किसी मेटल की? और अगर टिकाऊ लग रही तो कौन सा ऐसा मेटल है जिसमें खरीदारी करनी चाहिए? टिकाऊ नहीं लग रही है, मार्केट काफी गिर चुके थे, 880 से वन वे मूव आया था 630 तक का, तो ये करीबन 200 डॉलर 200 रुपये की मूव थी डाउनसाइड की। नेचुरल वे में इसका 40 रुपया में भी और भी 20 रुपया बढ़ सकता है, बट ओवरऑल मेरा नज़रिया ब्रॉडर टर्म में सेल साइड रहने का है क्योंकि ग्लोबल रिसेशन थोड़ा ज़्यादा है और ये जो स्टिमुलस का जो अमाउंट है वो चाइना की इकोनॉमी की कंपैरिजन में काफ़ी छोटा है, तो ये दवाई ज़्यादा इफेक्टिव लग नहीं रही। ओके, यानी ये टिकाऊ तेज़ी नहीं है, जो भी है ये शॉर्ट कवरिंग की वजह से आ रही है। और जो वन वे जो एक गिरावट आई थी पिछले एक महीने में, हम अगर 5-6 जून के आसपास से जो गिरावट देख रहे थे, करीब MCX पर भी अगर देखिए तो कभी कभी 225 रुपये की गिरावट कॉपर में आ चुकी है, तो वो फॉल को के बाद एक खरीदारी है। और एक खबर ऐसी आ गई कि चीन जैसे बड़े कंज्यूमर देश में अगर राहत पैकेज के बारे में अगर विचार किया जा रहा है तो वो एक सपोर्टिव फैक्टर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं चांदी की। बीरेन सर, चांदी दोनों फैक्टर काम करता है, एक तो सेफ हेवन बाइंग प्रेशियस मेटल का और दूसरा मेटल की खबरों का भी ये फायदा उठाता है। क्या लग रहा है चांदी में यहाँ से तेजी आपको और आती दिख रही है? इसकी भी तेजी नहीं दिखेगी 500 रुपये के बाद, और कितनी तेजी यहाँ पर आने के बाद चांदी बेचे? यहाँ थोड़ा है, प्रोबेबली हम 58,500-58,000 शायद देखेंगे, टेक्निकली काफ़ी ओवर सोल्ड हो गई है और अपने हाई से करीबन 20,000 तक गिर चुकी है, तो यहाँ रिकवरी बाउंस है। ये 57,000 थोड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लग रहा है टेम्पररी बेसिस पे, मींस वैसे आज का दिन ही रिस्क ऑन दिन है, मींस जितनी भी रिस्की एसेट है वो आज चलेगी क्योंकि डॉलर की तेजी भी थोड़ी अब थम रही है क्योंकि उसमें भी 94 से वन वे 107 तक गया था, तो 2-3 दिन तक मेरे हिसाब से रिस्क ऑन चीज़ें चलनी चाहिए। ओके चलिए, यानी 2-3 दिन और चल सकती है। आप चांदी में क्या लग रहा है रवि जी, यहाँ से जो तेजी है 500 रुपये की, कितनी तेजी यहाँ से और दिख रही है चांदी में? जरूर सर, ये जो न्यूज है इसके बाद का शॉर्ट कवरिंग है, तो थोड़ा बहुत इतनी जो गिरावट 60,000 से नीचे आया है तो थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग का रुख रह सकता है। मुझे लग रहा है कि ये एक शॉर्ट कवरिंग का व्यू ही समझे, कोई फंडामेंटल में इतने बड़े बदलाव नहीं हुए कि यहाँ से बहुत बड़ा तेजी होगा, बट यस लेवल स्पेसिफिक बात करें तो एक अट्रैक्टिव लेवल पे है, एक शॉर्ट कवरिंग ट्रेडर्स के लिए काफी अट्रैक्टिव हो सकता है। 57,100 के करीब मेरी खरीद की सलाह रहेगी अगर किसी को ये शॉर्ट कवरिंग के लिए बाय करना है। डाउन साइड आप स्टॉप लॉस 56,780 का लगा सकते हैं, अपर साइड मुझे लग रहा है कि 57,600 से लेकर 57,800 तक के लेवल सेक्शन हो सकते हैं। ओके, 57,600 से लेकर 57,800 तक का
लेवल एक्सटेंड यहाँ से हो सकता है, इतनी तेजी की उम्मीद रवि जी को चांदी में लग रही है। अगले दर्शक भी इवन चांदी पर ही हैं। इनका सवाल है कि एक लॉट इन्होंने 58,115 रुपए में खरीद रखा है, मनोज है रोहतक से। बीरेन सर क्या लग रहा है, इनका भाव आ जाएगा, बहुत दूर तो नहीं है, 800-900 रुपए के आस, क्या लग रहा है, ये रुके या निकल जाए? फिलहाल रुकना चाहिए, फिलहाल रुकना। ओके, आजकल परिस्कोप इस हर चीज में, जो कल तूफान आना था वो कल के लिए तो आ चुका, 2-3 दिन तो अच्छे रहेंगे। ये 2-3 दिन अच्छे रहेंगे तो यहाँ पे रुकना चाहिए। रवि जी अगर इनको रुकना है, 58,115 की बाइंग है, तो स्टॉप लॉस क्या लगा के रख लें? हाँ, स्टॉप लॉस आप अपना 56,780 का काफी अच्छा सपोर्ट है सिल्वर में। ये स्टॉप लॉस थोड़ा आपके लेवल से दूर होगा, ये लेवल से बहुत दूर नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से 400 पॉइंट नीचे एक स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हैं। जैसे आगे भी बात हुई कि 57,800 के करीब आए, तो एक बार फिर से रिव्यू करें, अगर बॉन्ड यील्ड 3 के नीचे है तो आप रुक सकते हैं, क्योंकि बॉन्ड यील्ड का रिस्क रहेगा। बॉन्ड यील्ड अभी 2.96 के करीब पहुंच चुके, अगर ये 3 के लेवल को ब्रेक कर देते तो वहां पे एक बार मुनाफा वसूली करनी चाहिए। जब तक ये 3 के ऊपर नहीं जाती बॉन्ड यील्ड, तब तक आप अपने पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं। ओके, तो चलिए ये है आपके लिए चांदी पर व्यू। अगले दर्शक भी चांदी पर ही, चांदी पे सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। राज हैं राजस्थान से, चांदी इन्होंने 63,500 रुपए के भाव पर खरीद रखा है, और इनकी शिकायत भी है कि कई सारे एक्सपर्ट्स 70-75 तक की तेजी बता रहे थे, और अब जब भाव इतना गिर गया है फिर मंदी की बात कर रहे हैं। बीरेन सर क्या सलाह देंगे इनको, 63,500 काफी ऊपर के भाव पर इनकी बाइंग है? 60,000 तक शायद आ सकती है, बट मैं एक बात बताऊं कि पिछले 10 महीने में, सॉरी 20 महीने में चांदी 8 बार 70,000 हुई है, 8 बार 60,000 भी हुई है, तो इसमें हर 6 महीने ये दोनों लेवल आते रहते हैं। बट अपने को ये शटल सर्विस में कहाँ से एंट्री लेनी है, कहाँ से एग्जिट लेनी है, अपनी कॉस्ट डिसाइड करके काम करना चाहिए। और इसमें एक बात ये भी है कि जो बाय एंड होल्ड करके बैठ जाता है, उनको हर महीने 700-800 रुपया का ब्याज बदला, कॉस्ट टू कैरी भी पे करना होता है। ये समझ के कोई काम करे तो इसमें पैसा बन सकता है, खास करके जो हेजर है, मीन्स फिजिकल बाय और फ्यूचर सेल, उनके लिए ये प्रॉमिसिंग एसेट है। यानी आप अगर ट्रेडर हैं तो आपको डिसिप्लिन तौर पे करना पड़ेगा और साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा कि ट्रेडिंग की साइकोलॉजी क्या है। अगर 70,000 कई बार चांदी जा भी चुका है, जैसा बीरेन सर बोले कि 8 बार 60 भी और 8 बार 70 के लेवल भी दिखे, और आपको उस रेंज का फायदा उठाना है, आपको कितना रिस्क ले सकते हैं, कितना आप नुकसान झेल सकते हैं, उसके हिसाब से स्टॉप लॉस भी लगा ले। स्टॉप लॉस भी एक्सपर्ट हमेशा बताते हैं। चलिए अगले दर्शक भी चांदी पर ही हैं, लगातार चांदी के सवाल आ रहे हैं। महावीर है बेंगलुरु से, कहना कि क्या चांदी 45,000 रुपये नीचे तक आ सकती है, क्या ये अनुमान लगाना सही होगा? रवि जी क्या लग रहा है, कोई उम्मीद चांदी 45,000 रुपए की? हाँ, ये उम्मीद वैसे हुई जब 2 दिन पहले जो रिपोर्ट आया था, $365 का टारगेट क्रूड में आया था, ये ऐसे ही ये अनुमान है आपका। मुझे नहीं लग रहा है कि 50,000 के बिलो चांदी रहना चाहिए। बेसिकली कोई भी कमोडिटी है उसके फंडामेंटल्स होते हैं, जब तक फंडामेंटल्स में चेंज ना हो तब तक इतना ऑप्टिमिस्टिक टारगेट लेना थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि 45,000 तक काफी कम चांसेस है, आप शायद एक्सपेक्ट कर सकते हैं 52,000-53,000 तक, बट मुझे 45,000 तक ये फंडामेंटल पे टारगेट इम्पॉसिबल लग रहा है। ओके, चलिए अगले दर्शक हैं, संजय कुमार है बिजनौर यूपी से। इनका कहना है कि मैंने 7,655 रुपए पे क्रूड माइनस कर रखा है, क्या करना चाहिए अब? बीरेन जी क्या कर रहे, शॉर्ट कर रखा है 7,655 पर, अब भाव ऊपर आ गया है, 7,900 के आसपास आ गया है, अब इन क्या करना चाहिए, निकल जाएं क्या, और तेजी है या वापस से इनके भाव के पास आएगा क्रूड? शेयर मार्केट है, बट उन्होंने काफी नीचे भाव पे सेल किया हुआ है, और इसमें एक ट्रैप ये है कि जो रोल ओवर करेगा उनको हर महीने 200 रुपया देना पड़ेगा, तो इनको फिलहाल निकल जाना चाहिए। ओके, चलिए अगले दर्शक है मनीषा है पलवल से। मनीषा जी का सवाल है कि शाम के सत्र के लिए कॉपर का क्या लेवल देखने को मिल सकता है? रवि जी, शाम के सत्र के लिए कॉपर का क्या लेवल दिखेगा?
मुझे लग रहा है कि जैसे आपसे शॉर्ट कवरिंग आया है, अगर कॉपर आज ऊपर 63 का एक रेजिस्टेंस है, अगर इसके ऊपर स्टेबल होता है तो आपको 70 तक के लेवल्स दिख जाएंगे। इसके बियॉन्ड मुझे लग रहा है कि करीबन 68 से 70 के बिटवीन आए, और अगर आपके बाय पोजीशन है तो वहां पे एक बार मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए, क्योंकि लोअर लेवल से ये न्यूज के बाद काफी अच्छी रिकवरी आ चुकी है, तो थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी इवनिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो इवनिंग में अगर आपका बाय पोजीशन है तो नीचे 57 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें, और अपर साइड अगर 70 तक के लेवल मिल जाए तो वहां पे मुनाफा वसूली कर लें। तो ये व्यू है कॉपर पर मनीषा जी के लिए। चलिए अगले दर्शक है, सार्थक अग्रवाल हैं इंदौर से, इनका सवाल मिलर भी हैं ये इंदौर के, और कपास खली पे जाना चाह रहे हैं। इनका सवाल है कि फिजिकल में स्टॉक है कपास खली का, और ये भी जानना चाह रहे हैं कि इतनी गिरावट क्यों आ रही है। बीरेन सर 4% गिर गया है यहाँ पर, 2500 के नीचे आ गया है, क्या लग रहा है कितनी गिरावट यहाँ पे और आएगी कॉटन केक में? इसमें फिजिकल डिमांड ये साल बेहद कमजोर रही, इसका कॉटन का फसल तो बेहद कम था, मे भी 3 करोड़ 3 20, बट कॉटन में जो तेजी आई उनसे विपरीत इसमें लगातार मंदी ही रही है। ये इतनी मंदी जो है वो मैं भी नहीं समझ सकता हूँ। तो रवि जी आपका व्यू क्या होगा कॉटन केक पर? लगातार कॉटन केक में हमने 3200 से बिकवाली का ही सलाह दिया है। पर्टिकुलर इसका रीजन क्या है कि सारे एक तो असेट क्लासेस है उसमें मुनाफा वसूली थी, कॉटन में भी जो बुआई का इलाका आ रहा है, हालांकि डायरेक्टली कोई कोरिलेशन इतना ज्यादा नहीं है क्योंकि अभी 2 महीने 2.5 महीने अराइवल को बाकी है, उसके बाद प्रोसेसिंग को 2 महीने होते हैं, तो जल्दी से कोई इतना फिजिकल मार्केट में अराइवल्स की कोई अभी मुझे दिक्कत नहीं दिख रहा है। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अभी तक जो कंजम्पशन डिमांड है वही मीन सारी जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज का एक कॉमन प्रॉब्लम है, स्टॉकिश की डिमांड काफी एब्सेंट है, उसका बेस रीजन लिक्विडिटी का कम होना एज वेल एज अभी प्राइस में वोल्टालिटी होना, तो मुझे सबसे बड़ा रीजन लग रहा है कि स्टॉकिश की डिमांड काफी कम थी, और अभी उसमें ऑफ सीजन चल रहा है तो सीजनालिटी का भी एक फैक्टर है, और जिस हिसाब से लगातार देखे तो प्राइस में गिरावट है, एक सपोर्ट है 380 का, ये ध्यान रखे अगर बाय पोजिशन है ये स्टॉप लॉस ट्रिक रखे, और अपर साइड कोई भी लेवल 2700 तक के देखने को मिले 2700 2750, तो आपको एक एग्जिट का रूट ढूंढना चाहिए। चलिए अगले दर्शक हैं, इन्होंने नाम नहीं भेजा है, चलिए इनका ले लेते हैं सवाल, पवन हिसार से, इनका सवाल ग्वार सीड पे है। बीरेन सर आपके फॉलोअर है, आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं कि इस कहां से तेजी शुरू होगी ग्वार सीड की, क्या जब क्या लग रहा है जो जिस तरह की गिरावट हम देख रहे हैं ग्वार सीड और ग्वार गम में, और मानसून की रफ्तार की तेज होने के साथ साथ गिरावट ये और बढ़ती जा रही है, कहां से तेजी आपको लग रही है ग्वार सीड में? मानस की सेंटिमेंट की मंदी बनी हुई है, और ज्यादातर तो जो साइड बाजार है यानी जीरा धनिया टीएमसी पाम ऑयल ग्लोबल कमोडिटीज ये सभी की इफेक्ट उस पर भी आई हुई है। बट अगर लॉन्ग साइड फिजिकल बेट अगर किसी को लेना है तो मैं फिजिकल गवार बाय करके हेजिंग में फ्यूचर्स बेचकर हेज करना प्रेफर करूंगा, ये एक ट्रेड मुझे दिख रहा है इसमें। ग्वार पर आपका व्यू क्या लग रहा है, आपको कहां से तेजी दिख रही है, कितनी और गिरावट आने दे उसके बाद तेजी की पोजीशन बनाए रवि जी? 4800 के करीब अहम सपोर्ट है, काफी बार आगे भी जब ये रेंज में चल रहा था तब 4800 का एक अहम सपोर्ट लेके ग्वार सीड में एक अच्छा वहां पे बाउंस देखने को मिल रहा था, तो आई थिंक बहुत बड़ी तेजी नहीं, बट यस अगर 4800 के करीब आ जाए तो आप वहां पे एक बार कॉन्ट्रा जा सकते हैं। मुझे लग रहा है कि अभी डाउन साइड और रहेगी, अगर 5000 का लेवल ब्रीच हुआ तो आपको 4820 तक के लेवल्स मिल जाएंगे, तो वहां पे थोड़ा बहुत कॉन्ट्रा जाना है। स्टॉप लॉस 4680, अपर साइड अगर 4400 4500 तक आए तो वहां पे मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए, उसके भी उन मुझे टारगेट नहीं दिख रहे, तो एक रेंज बाउंड है बट लोअर लेवल से अगर आपको अपॉर्चुनिटी लेनी है तो 4820 का लेवल टू बी प्रिसाइज ध्यान रखें। चलिए वापस से फिर से चांदी के ही सवाल काफी आ रहे हैं, रवि जी आपसे ही सवाल पूछ रहे हैं, दिग्विजय नाम है इनका, 60,000 तक चांदी कब तक चली जाएगी, कब तक उम्मीद करें चांदी 60,000 जाने की? एग्जैक्ट मुझे लग रहा है कि अगर आपका 1 से 2 महीने का नजरिया है तो शायद वहां पे मुझे अगस्त ऑनवर्ड जो एक सेफ हेवन अपील गोल्ड में दिख रहे, क्योंकि अगर ये वॉर समाप्त नहीं हुआ तो आई थिंक गोल्ड में
लोअर लेवल से स्टेबिलिटी रहेगी और उसका सपोर्ट शायद चांदी को मिलेगा, बट अगर 59,200 के करीब भी मिल जाए और आपका लॉन्ग पोजीशन है तो वहां पे एक बार अनवाइंडिंग कर लेना चाहिए। मुझे लग रहा है कि एग्जिट्स 8 नहीं बट 69,200-300 आपको एक आध महीने में ये प्राइस देखने को मिल सकते हैं। अगले दर्शक ने नाम नहीं भेजा है लेकिन इनके पास दो लॉट है चांदी के, 60,750 रुपए पे बाई कर रखा है, क्या करे, होल्ड करे, एवरेज करें या बेचकर बाहर निकल जाए, क्या करे बीरेन जी? 56,600-800 के आसपास एवरेज कर सकते हैं और स्ट्रिक स्टॉप लॉस उनको 56,300 का रखना चाहिए। अपसाइड में 59,000-60,000 के बीच वो एग्जिट ले सकते हैं। ओवरऑल इसमें स्लो मोशन बेयर मार्केट है, धीरे धीरे जैसे 75 का 60 हुआ, ये धीरे धीरे ये लेवल ब्रेक करके शायद में भी 52-53 आएगा। रुपी अगर 79 नहीं होता तो ये आज ही 50-52 होता। रवि जी, अनुज गुप्ता हैं झांसी से, चांदी आज बचे हुए जो 5-6 घंटे हैं इसके लिए चांदी का टारगेट और स्टॉप लॉस जानना चाह रहे हैं। हाँ जरूर सर, जैसे हमने पहले बात की, अगर आपको चांदी में कोई ट्रेड लेना है तो ये 57,000 के करीब चांदी चल रहे, आप इसको बाय करके चल सकते हैं। छोटा स्टॉप लॉस 56,780 का रख सकते हैं। अपर सेट मेरा टारगेट 57,600 टारगेट रहेगा, पार्शियल पोजीशन वहां पे मुनाफा वसूली कर ले और पार्शियली आप 57,800 के करीब मुनाफा वसूली कर ले तो मुझे लग रहा है कि आज की जो ब्रॉडर रेंज है वो 57,000 से लेके 57,800 इवनिंग में रह सकती है। ओके, अगले दर्शक ललित हैं राजसमंद से, नेचुरल गैस में जानना चाह रहे हैं कि लॉन्ग के हिसाब से क्या करें। बीरेन सर क्या करें, 445 रुपए के आसपास है, 1.5% की तेजी है, नेचुरल गैस में क्या सलाह देंगे इनको? 440 में बाय करना चाहिए, 432 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 455 से 462 के बीच में एग्जिट करना चाहिए। बाइंग की सलाह है, आप क्या सलाह दे रहे हैं रवि जी नेचुरल गैस में? जरूर से बाय डिप्स का स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। आज मॉर्निंग में भी 443 ओपन होके 440 के करीब गया था, फिर से ये एक थोड़ा वोल्टाइल हुआ है, जैसे चाइना का पैकेज अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद सारे जो नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटीज है उसमें एक अच्छा बाउंस था और उसमें नेचुरल गैस भी अभी बाउंस लेके चल रहा है। 441 ये बाई का लेवल होगा। डाउन साइड मेरा स्टॉप लॉस इंट्राडे के लिए रहेगा वो 435 रहेगा। अपर साइड एक लिमिटेड अपसाइड 455 तक देखने को मिल सकती है। ओके, अगले दर्शक है लोकेश है राजस्थान से, लोकेश साहू है, ये जानना चाह रहे हैं कि क्या चांदी 6 महीने में चांदी कहाँ तक जा सकती है। रवि जी 6 महीने का क्या टारगेट है आपका चांदी का? हाँ 6 महीने में मुझे लग रहा है कि आप अपर रेंज में 60-61 तक के लेवल्स आप 6 महीने में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डाउन साइड मुझे लग रहा है कि पहले अपर साइड में 59,200 से थोड़ा रेजिस्टेंस, वहां पे सप्लाई जोन बड़ा है तो वहां पे रेजिस्टेंस फेस करेगा। डाउन साइड 52,000 तक के लेवल मुझे लग रहे हैं तो ब्रॉडर रेंज में 6 महीने में 52,000 से लेके 59,200 से 60,000 के एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगले दर्शक है हीरा लाल है, कॉपर में 706 रुपए की बाइंग है इनकी, क्या करना चाहिए इन्हें सर? 706 की बाइंग है, काफी दूर भाव चला गया, मैक्सिमम स्टॉप लॉस 5%-7% का होना चाहिए, तो इस हालत में मैं उनको एडवाइस करने शायद रवि भाई उनको बेटर सलाह दे सकते हैं। ओके रवि जी आप बता दीजिए इनको, और दूसरा एक कॉल क्रूड पर भी है, क्रूड का आज के लिए रेंज भी बता दीजिएगा। जरूर से, ये बीरेन सर की तो मींस के वो अपनी बढ़तपन है क्योंकि सर जितना बता सकते हैं उतना ही मैं बता सकता हूँ, बट यस कॉपर में टू बी प्रिसाइज मुझे लग रहा है कि एक ब्रॉडर रेंज है इवनिंग के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए, थोड़ा एक सीमित दायरे में रह सकता है। हालांकि कोई भी उछाल आए 680-685 तो आपको आपके लेवल का वेट नहीं करना है, एक बार एक्सिट कर लेना है। ओवरऑल ट्रेंड वीक लग रहा है, डाउन साइड 630-635 तक के लेवल भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा वेट नहीं करनी है, बट हाई लेवल पे मुनाफा वसूली प्रेशर वहां पे आएगा तो वहां पे हम भी एक्सिट हो जाएंगे। क्रूड की इवनिंग में मैं रेंज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो डाउन साइड 7750 से लेके अपर साइड 8000, ये एक रेंज में फंसा रहेगा, बट क्योंकि क्रूड खुद वॉलेटाइल इतना है और वहां पे हायर लेवल से प्रेशर बना हुआ है तो डायरेक्टली रिस्क नहीं लेना है। कोई अगर ट्रेडर उसमें कोई ट्रेड करना चाहे तो
क्रूड के 7900 का कॉल ऑप्शन जो अभी 290 के करीब चल रहा है, ये कॉल ऑप्शन आप बाय कर ले। 360 तक ये कॉल ऑप्शन जा सकता है और डाउन साइड 252 आज का लो है, वो स्टॉप लॉस लगाए तो बेटर है कि डायरेक्ट अप्रोच ना करें और 7900 के कॉल से ट्राई करें। वहां पे वोलेटिलिटी एंड वॉल्यूम दोनों अच्छे, तो आपको एक बार अच्छी अपॉर्चुनिटी वहां पे मुझे दिख रही है। ओके, तब कॉल ऑप्शन के जरिए क्रूड खरीद सकते हैं। और कॉपर के लिए सलाह यही है कि आप उछाल पर बेचने की कोशिश करें, 680-685 के आसपास निकल जाने की कोशिश करें, क्योंकि फिर वहां से अगर बिकवाली आएगी तो नीचे की तरफ 630-635 तक भी वापस कॉपर आ सकता है। शुक्रिया रवि जी आपका, बीरेन जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब दिए। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, ब्रेक के बाद आपके लिए होगा स्वदेश विशेष। नमस्कार। Any of the about the stock market, there is one golden rule that there are no rules. When history changes, everything changes, and circumstances change.